बताने वाला हूँ 4x4 नंबर पजल ये कैसे सॉल्व होता है। तो सबसे पहले अगर आपको थोड़ी सी भी हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके ही जाना गाइस। तो चलिए सॉल्व करने के लिए मुझे सबसे पहले इसमें करना होगा स्क्रैम्बल, तो स्क्रैम्बल करके मिलते हैं आपसे। तो हे गाइस, तो हम स्क्रैम्बल कर चुके हैं अपने नंबर पजल को। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा सॉल्व करने के लिए, तो सबसे पहले ये 1 2 इधर लगाना पड़ेगा, 1 2, तो 1 लगा दिए और वैसे ही करके 2 भी हमें कैसे करके लगाना पड़ेगा। तो यहाँ 1 2 हमारा लग चुका है, तो यहाँ 3 4 लग गया, तो हमें 3 4 नहीं लगा कि यहाँ पे हमें 4 लाना है, 3 की जगह पे 4 लाना है और यहाँ पे हमें 3 ले आना, देख सकते हैं आप इस कसम से। और इस इधर करने के बाद इधर हमें इधर थोड़ा ये छूटना चाहिए और ये दोनों जो रहेगा इसे हम नीचे करेंगे और जिसे इसे कर देंगे। देखिए हमारा ये हो गया, तो ऐसा ही हमें नीचे वाले को भी सॉल्व कर रहा हो जब तक मैं करता हूँ, जब तक अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो कर लेना। तो चलिए जब तक वीडियो जब तक ये नीचे वाला लेयर करते हैं तब तक हम थोड़ा ब्रेक लेते हैं। तो हे गाइस, हम आ चुके हैं अपने नीचे वाले लेयर को भी ऐसा ही सॉल्व कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम नीचे वाले लेयर को करने के बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 13 लाना होगा। तो सबसे पहले 9 यहाँ पे हम ले आते हैं, तो 9 ले आने के बाद गाइस देख सकते हैं हमें 13 भी लाना होगा। तो इसे फिट कर देते हैं, तो यहाँ पे 9 और 13 भी लिए हैं, तो गाइस आप इसी कसम से ले आइएगा। और यहाँ पे हमें 10 और यहाँ पे 14 लाना पड़ेगा, तो 10 14 भी ले आते हैं कैसे करके। तो ये देखिए हमें लिया है और ऐसा ही करके आप भी ला सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना होगा, 9 और 13 को इधर ऐसे करके ऊपर, तो ये देख सकते हैं ऐसे कुछ करना पड़ेगा और फिर इसे भी ऐसे करने के बाद आप इतने पोजीशन पे आ जाएंगे तो आपको ऐसे आएगा। लेकिन आपको ये तीनों पीस पे आपको ध्यान नहीं देना, आपका उल्टा भी आ सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कैसे भी ये कैसे भी हो सकता है, पर आपको करना पड़ेगा ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 14 है तो यहाँ पर हमें 10 लाना पड़ेगा, तो 10 हम ले आते हैं सबसे पहले। और 10 ले आने के बाद यहाँ पर हमें 15 लाना है जो आ चुका है। अगर आपका ऐसे आए तो आपको क्या करना है, अगर आपका एक आए तो यहाँ पे हमें खाली करना होगा। तो हमारा आपको ये पोजीशन आपको मैं बता देता हूँ, तो आपसे सबसे पहले इसके ऐसे करना पड़ेगा, ये दोनों जो यहाँ पे आएगा तो ऐसे करते हैं और इसे नीचे करके इसको इधर कर देंगे ऐसे ऐसे करके ऐसे, फिर इसको ऐसे और फिर ऐसे। तो ये देख सकते हैं हमारा ऐसे आ जाएगा, तो आपको ऐसे ही पोजीशन पर लाना पड़ेगा इतना सॉल्व करने के बाद। एक बार देख लीजिए, और ये आपको मैं बताया हूँ ये 3 कॉर्नर पर उससे ध्यान नहीं देना, अभी 2 कॉर्नर पर ध्यान नहीं देना आपको। और सबसे पहले ये 14 को इधर 13 के पास लाना पड़ेगा और ये 10 को इधर 9 के पास, और इसे तो ऐसे ही छोड़ देना गाइस। और इसके बाद 11 को इधर और 12 को इधर। तो देख सकते हैं हमारा नंबर पर जो सॉल्व हो चुका है गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।